हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ साईं मंदिर, जो कि भिलाई शहर के सेक्टर 6 में स्थित है। तो मैं फ़िलहाल पहुँच चुका हूँ और मैं ब्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं और साथ में जो फैमिली के कुछ लोग हैं वो लोग भी आए हैं, तो वो आगे चले गए हैं दर्शन करने के लिए। फिलहाल मैं ब्लॉग बनाने के लिए पीछे रुक गया। तो अभी ये देख सकते हैं आगे का ये जो प्रांगण है मंदिर का वो है, और यहाँ काफ़ी संख्या में श्रद्धालु भी आए हुए हैं, भक्त भी आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। तो कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है यहाँ पे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोग यहाँ पे सेल्फी भी ले रहे हैं अपना, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। और ये सामने आपको आपका मंदिर, सामने गेट पे लिखा हुआ सबका मालिक एक नहीं। और ये मंदिर है, ये सामने साईं बाबा दिख रहे हैं, लोग लाइन में लगे हुए हैं दर्शन करने के लिए। हाँ जी, उतना तो भीड़ नहीं है लेकिन फिर भी ठीक ठाक भीड़ है और अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। इधर लोग दर्शन करके मंदिर में बैठे हुए हैं, सामने है साईं बाबा का मूर्ति यानी साईं बाबा। नीचे भी है, मतलब ये मंदिर है, मंदिर के नीचे भी साईं बाबा का जो है मतलब बिस्तर भी स्थापित किया गया है और वहाँ उनका एक फ़ोटो भी लगा हुआ है, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। अभी फ़िलहाल जाके तो मैं अभी दर्शन नहीं किया हूँ, क्योंकि अभी मैं जाऊँगा, मैं भी थोड़ा दर्शन करूँगा। तो मैंने ये वीडियो में मैं जो भी है यहाँ का, मैं शुरू से अंत तक जो भी है मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँगा। और ये मेन गेट पे ही है, ये जो आप देख पा रहे हैं, जैसे आप गेट पे एंट्री करेंगे तो दिखेगा। और ये फ़िलहाल आप ये लाइन लगाने के लिए देखिए, आप ग्रिल वगैरह बनाया गया है कि आप आराम से सभी लोगों को दर्शन हो सकें। और यहाँ आने के बाद मतलब एक शांत सा माहौल और काफ़ी खूबसूरत माहौल लग रहा है, क्योंकि क्या है कि यहाँ काफ़ी संख्या में भीड़ रहती है, लेकिन अभी आज कुछ कम भीड़ है, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है यहाँ देख के। और अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों को लेके जा रहा हूँ जो नीचे मंदिर है यानी साईं बाबा का, जो ये सामने जो आप देख रहे हैं मूर्ति, इसके नीचे भी मतलब है स्थान इनका। तो वहाँ हम लोग उधर से ही जा रहे थे, तो एक जो मंदिर के मेंबर थे जो मंदिर में रहते हैं उन्होंने बताया इधर से नहीं जाना, आप लोगों को घूम के जाना है। तो हम लोग घूम के जा रहे हैं अभी फ़िलहाल। और देखिए यहाँ भी लोग दर्शन कर रहे हैं, यहाँ भी यहाँ से भी फूल वगैरह चढ़ा के साईं बाबा का दर्शन कर रहे हैं। तो फ़िलहाल अभी हम जा रहे हैं घूम के, ये मंदिर के पीछे का स्थान है। फ़िलहाल मैं आपको नीचे का जो भी व्यू है यानी जो उनका स्थान है वो भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सीढ़ी है जो जहाँ नीचे जाया जाता है। तो फ़िलहाल अभी मैं जा रहा हूँ नीचे और मैं आपको दिखाता हूँ। ऑलरेडी यहाँ 2-3 लोग पहले से पहुँचे हुए हैं दर्शन कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख पा रही हैं ये बिस्तर है सामने जहाँ ओम लिखा हुआ है, यहाँ ये आसन है यूँ कहें तो साईं बाबा का। और ये बड़ा सा एक फ़ोटो लगा हुआ है, यहाँ लोग अपना जो भी मन्नत है, जो भी मतलब है वो भगवान से यानी साईं बाबा से मांग रहे हैं। और चलिए मैं फिर से बाहर जाता हूँ और बाहर का व्यू है वो दिखाता हूँ आप लोगों को, क्योंकि ये तो मंदिर का जो भी है मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आगे प्रांगण में भी बहुत सारी चीज़ें हैं
वहाँ प्रसाद वगैरह भी बट रहा है, यहाँ से लोग दर्शन करके और आगे जाके लोग प्रसाद भी ले रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तो ये मैं फिलहाल अभी बाहर जा रहा हूँ और बाहर जाके मैं आप लोगों को जो भी बाहर का और भी व्यू है वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। ये मेन गेट मैं बाहर आ गया हूँ फिलहाल, और ये जैसा कि मैंने शुरू में ही दिखा था प्रांगण है, और आगे यहाँ पे दीप जलाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे दीप जला हुआ है और इसमें आगे लिखा हुआ है कि कृपया अगरबत्ती स्टैंड में ही लगाएं, चूँकि यहाँ एक स्टैंड बना हुआ है, अगर आप यहाँ अगरबत्ती वगैरह जलाते हैं तो आपको इधर उधर नहीं लगाना, यहाँ एक स्टैंड में ही लगाना होगा। और ये सामने प्रसाद बट रहा है, आप यहाँ से लोग लाइन में लग के प्रसाद ले रहे हैं और प्रसाद लेके अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और यहाँ अगर आपके पास अगर नारियल वगैरह है तो जहाँ प्रसाद वितरण हो रहा है उसके साइड में नारियल आप अपना फुड़वा के वहाँ से प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल ये देखिए आप, मैं प्रांगण में ही हूँ और यहाँ लोग अपना मस्त यहाँ खूबसूरती का नज़ारा नज़ारे का फ़ायदा उठा रहे हैं, यानी सेल्फी ले रहे हैं। और ये प्रांगण में ही छोटा सा पार्क वगैरह बनाया गया है, और ये अगरबत्ती स्टैंड है। ये यहाँ पे अगर आप अगरबत्ती मंदिर प्रांगण में आप जलाते हैं तो यहीं आपको लगाना होता है, क्योंकि इधर उधर लगाने का परमिशन नहीं है मंदिर के कार्यालय द्वारा। तो यहाँ पे और साइड में यहाँ पे प्रसाद वितरण हो रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोग लेके प्रसाद खा रहे हैं। और सामने आप देख सकते हैं दीवार पे भगवान के कई अवतारों को दिखाया गया है, तो इधर भी और फिर इसके साइड में बगल में भी दिखाया गया ये चीज़। तो ये चीज़ बिल्कुल काफ़ी अच्छी है और अच्छा लग भी रहा देखने में। और दीवार पे बहुत सारी चीज़ों को दिखाया गया, जैसा कि ये मंदिर कब स्थापित हुआ था। जैसे मान लीजिए ये दिखाया गया कि 20 मार्च 1986 को संपन्न हुआ था इसका, यानी नियर अबाउट इस मंदिर को हो गया 36 साल। तो सोचिए 36 साल से ये मंदिर अभी भी इतना साफ सुथरा और काफ़ी खूबसूरत दिख रहा है। ये चीज़ एक और काफ़ी अच्छी है देखने के लिए। और ये देखिए भगवान के सभी अवतारों को दिखाया गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं प्रसाद तो नहीं लिया हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल जाऊँगा मैं भी प्रसाद लूँगा और प्रसाद ग्रहण करूँगा। तो पहले आप ये सब देखिए जो कि कई अवतारों को दिखाया गया है। बार बार मैं एक ही चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और ये दीप जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया था, और अभी मैं फ़िलहाल जाऊँगा प्रसाद लेने। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जैसा मेरे तरफ से जितना अच्छा होने हो रहा है मैं कर पा रहा हूँ। देखिए मैं लाइन में लगा हूँ और मैं अभी प्रसाद लेने जा रहा हूँ, प्रसाद लूँगा फिर प्रसाद ग्रहण करूँगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं लोग लाइन में लगे हुए हैं और प्रसाद ले रहे हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं प्रसाद ले चुका हूँ और अभी प्रसाद लेके मैं जाऊँगा और प्रसाद ग्रहण करूँगा। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। तो मैं आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और ये रहा मेरा प्रसाद और मैं जा रहा हूँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।